राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। कलकत्ता हाईकोर्ट जस्टिस चित्रंजन दास का सोमवार को सेवा का आखिरी दिन था। उन्होंने अपनी फेयरवेल स्पीच में कहा कि वे आरएसएस के सदस्य हैं। जस्टिस दास के विदाई समारोह में साथी जज और कलकत्ता बार काउंसिल के सदस्य भी मौजूद थे। उन्होंने कहा, यदि आरएसएस उन्हें किसी भी सहायता या ऐसे किसी काम के लिए बुलाता है जिसे करने में मैं सक्षम हूं, तो संगठन में वापस जाने के लिए तैयार हूं। कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं आरएसएस का सदस्य था और अभी भी हूँ। जस्टिस दास ने अपनी स्पीच में कहा कि आरएसएस के मुझ पर बहुत एहसान है, मैं बचपन से लेकर युवा अवस्था तक वहाँ रहा हूँ। आरएसएस में रहते हुए मैंने साहसी होना, ईमानदार होना, दूसरों के प्रति सम्मान दृष्टिकोण रखना, देशभक्ति की भावना और काम के प्रति प्रतिबद्ध रहना सीखा। उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में कुछ भी गलत नहीं किया है, इसलिए मुझे यह कहने का साहस है कि मैं संगठन से जुड़ा हूँ, क्योंकि यह भी गलत नहीं है। 14 साल तक जज के रूप में सेवा देने वाले जस्टिस चित्रंजन दास साल 2009 में ओडिशा हाई कोर्ट में एडिशनल जज नियुक्त किए गए थे। इसके बाद 20 जून 2022 को उन्हें कलकत्ता हाई कोर्ट में जज बनाया गया था। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।